नमस्कार बच्चों, आज फिर हम प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों ने पूछे मुझसे, मैं आपको समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले हम इम्बाइबिशन को लेते हैं। ये जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखे हैं, ये सभी एक नंबर में पूछा जाता है। जैसे इम्बाइबिशन, तो इम्बाइबिशन क्या होता है? एड्सॉर्प्शन ऑफ द लिक्विड बाई एनी सॉलिड इज कॉल्ड इम्बाइबिशन और एड्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर। इट इज द फिजिकल प्रोसेस बाय विच अ ड्राई सॉलिड कोलाइड मटेरियल स्वेल्स अप बाय एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। यहाँ हम ये बताना चाहते हैं कि एड्सॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होते हैं उनकी सरफेस पर वाटर एड्सॉर्ब हो जाता है। और इस प्रोसेस में, ये फिजिकल प्रोसेस है और इस प्रोसेस में दो कंपोनेंट होते हैं। एक इम्बाइबेंट होता है जो एड्सॉर्ब करता है, जिसकी सरफेस पे वाटर एड्सॉर्ब करता है, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड इम्बाइबेंट। जैसे अगर ये रेड एल्गी से, उसकी सेल वॉल से निकाला जाने वाला ऑर्गेनिक कंटेंट है, कार्बोहाइड्रेट है, और ये अगर कल्चर मीडिया में यूज होता है तो ये भी वाटर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है। पेक्टिन जो पाया जाता है सेल वॉल में, पेक्टिन, स्टार्च और सेलुलोज, ये क्रम हमने लिख रखा है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा अगर एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद पेक्टिन, उसके बाद स्टार्च और उसके बाद सेलुलोज करता है। और जो मटेरियल एडहेयर होता है, जो चिपकता है आकर के, उसे कहते हैं इम्बाइबेट। और इम्बाइबेट जैसे वाटर हो या कोई भी लिक्विड हो, हम अगर शाम को चने को भिगा देते हैं, चने के बीज को या मटर के बीज को या किसी भी बीज को, गेहूं के बीज को हम पानी में जब भिगा देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जब सुबह उसको देखते हैं, रात भर वो फूलता है, तो जब सुबह हम देखते हैं तो उसका आकार बढ़ जाता है। अगर एक सीड इतना बड़ा है तो पानी में भिगाने के बाद, इसका हाइड्रेशन करने के बाद, इसकी साइज बड़ी हो जाती है, इतना बड़ा हो जाता है। तो ये बड़ा क्यों हो गया? ड्यू टू द एड्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर। लेकिन यहाँ पर जब पानी अंदर प्रवेश करता है, सीड के अंदर जाता है, तो वहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं बनाता है, क्योंकि ये एड्सॉर्प्शन सॉलिड पार्टिकल के द्वारा होता है, वो सॉलिड पार्टिकल के द्वारा होता है, इसलिए कोई सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं होता। और दो कंपोनेंट होते हैं, इम्बाइबेंट और इम्बाइबेट। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है प्लांट में सीड जर्मिनेशन के समय? अगर इम्बाइबिशन ना हो, अगर हम सीड को हाइड्रेटेड ना करें और सीड इम्बाइब ना हो, यानी कि वाटर उसके अंदर प्रवेश ना करे और जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस अंदर है उसकी सरफेस पे वाटर एडहेयर ना करे, तो फिर सीड का जर्मिनेशन नहीं होता। सीड कोट को ब्रेक करते हुए इम्ब्रियो बाहर इसीलिए आ पाता है क्योंकि जो सीड कोट होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और अंदर का जो सीड कॉटिलेडन है वो भी वाटर को एब्जॉर्ब करके साइज में बड़ा हो जाता है, जिससे सीड का जर्मिनेशन हो जाता है। इसी तरह एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट हेयर्स, जो रूट हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स में भी जो रूट हेयर की सेल्स होती हैं उनमें भी एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, जिससे पानी अंदर की ओर प्रवेश करता है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि इम्बाइबिशन क्या है, तो आप ये परिभाषा लिखते हुए दो कंपोनेंट बताएंगे और यह सिग्निफिकेंस बताएंगे, क्योंकि यह शॉर्ट एक नंबर में आता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसे बताने की कोशिश की। आपने अक्सर घर में दरवाजों को देखा होगा, बरसात के दिनों में दरवाजे मोटे हो जाते हैं और हम बंद करते हैं तो अच्छी तरह उसकी कुंडी लगती नहीं है। क्यों? क्योंकि दरवाजे में जो कोलाइड्स हैं, जो हाइड्रोफिलिक हैं, ऐसे सब्सटेंस वाटर को अपने चारों ओर एडहेयर कर लेते हैं, एड्सॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब मनुष्य का विकास हो रहा था, हमारे सभ्य बहुत नहीं हो पाए थे, ऐसे समय में पत्थरों को दो टुकड़े में तोड़ने का, चट्टानों को तोड़ने का काम करने के लिए क्या करते थे उस समय के लोग? पत्थर में छेद बनाते थे और उसमें पानी डाल देते थे और लकड़ी की छोटी छोटी
रॉड लाइक स्ट्रक्चर डाल देते थे, पानी को इम्बाइब करके, पानी को सोक करके जो लकड़ी के टुकड़े होते थे उनका वॉल्यूम बढ़ जाता था, तो सोचिए चट्टान जैसी चीज़ भी दो भागों में टूट जाती थी। तो ये है इम्बाइबेशन। दूसरा यदि हम देखें तो ये वाटर, वाटर में कई बच्चों ने मुझसे पूछा होलार्ड क्रिसार्ड और ईचार्ड में क्या अंतर है। तो होलार्ड इज अ टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट विद इन द सॉयल। सॉयल में, किसी भी सॉयल में कितने प्रकार का पानी है, आप अगर सॉयल वाटर को, अंडरग्राउंड वाटर को पढ़ना चाहेंगे तो हमें जमीन में जो पानी दिखाई देता है वो कई रूपों में दिखाई देता है। जैसे हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, कैपिलरी वाटर होता है, ग्रेविटेशनल वाटर होता है, कंबाइंड वाटर होता है, वाटर वेपर होता है। तो टोटल फॉर्म ऑफ वाटर, टोटल अवेलेबल वाटर इन द सॉयल इज कॉल्ड होलार्ड। मतलब पूरा पानी जो है उस सॉयल के अंदर उसे हम होलार्ड कहते हैं। अब क्रिसार्ड किसे कहते हैं? क्रिसार्ड उस अमाउंट को कहते हैं वाटर के जो पौधे द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, रूट जिसे एब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसे वाटर को हम क्रिसार्ड कहते हैं। और क्रिसार्ड के तहत कैपिलरी वाटर ही पौधा एब्जॉर्ब करता है। ईसार्ड ऐसे वाटर को कहते हैं जिसे पौधा एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो होलार्ड इज इक्वल टू क्रिसार्ड प्लस ईसार्ड। ये एक नंबर में ये भी पूछा जाता है, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम वाटर पोटेंशियल को देखते हैं जिसे हम सिंबल साई से दिखाया जाता है। वाटर पोटेंशियल क्या है? वाटर में भी पोटेंसी है, फ्री एनर्जी है। यहाँ द डिफरेंस बिटवीन द फ्री एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड प्योर वाटर एंड द फ्री एनर्जी ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। हम किसी भी प्योर वाटर को देखें तो उसमें फ्री एनर्जी की ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे कोई भी सॉल्वेंट सॉल्यूशन में बदलता जाता है, सॉल्यूट की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसकी पोटेंसी घटती चली जाती है, उसकी फ्री एनर्जी घटती चली जाती है। इसीलिए वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज मैक्सिमम बिकॉज द प्योर वाटर हैज़ ग्रेटर फ्री एनर्जी बाई एडिशन ऑफ द सॉल्यूट इट विल लोअर डाउन। जैसे जैसे हम सॉल्यूट मिलाते जाएंगे वैसे वैसे वाटर की पोटेंसी, वाटर की फ्री एनर्जी कम होती चली जाती है। वाटर पोटेंशियल को मेजर करते हैं हम बार में या पार्सल में, जिसे पी ए से दर्शाते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई द ग्रीक वर्ड साई। साई शब्द से हम इस वाटर पोटेंशियल को दर्शाते हैं। और किसी भी सॉल्यूशन का जब हमको वाटर पोटेंशियल निकालना होता है तो हम इस फॉर्मूला से वाटर पोटेंशियल किसी भी सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल, या सॉल्यूट पोटेंशियल है। वाटर पोटेंशियल का जितना मान होता है उतना ही सॉल्यूट पोटेंशियल का भी मान होता है, प्लस प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल को हम तरकर प्रेशर भी कह सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में रख के किसी भी सॉल्यूशन का हम वाटर पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट जो एक नंबर में पूछा जाता है अक्सर, वो है सिग्मॉइड कर्व। वॉन सेट नाम के एक साइंटिस्ट फिजियोलॉजिस्ट जिन्होंने ऑब्जर्व किया था पौधों की ग्रोथ और टाइम के अनुसार देखा था, ड्यूरेशन के अनुसार, कि अपने जीवन में किस ड्यूरेशन में पौधा कितना बढ़ता है, और इसे एक कर्व द्वारा, एक ग्राफ द्वारा उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी। और इसी ग्राफ को हम कहते हैं सिग्मॉइड कर्व या एस कर्व कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि किसी भी पौधे का जीवन अगर हम पढ़ें तो उसके जीवन में तीन स्टेज आती है, लैग फेज, लॉग फेज और स्टडी फेज। टाइम के अनुसार अगर हम देखें कि ये मान लीजिए कुछ भी एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पाँच साल, ऐसे कुछ भी हम कर सकते हैं, एक महीना, दो महीना, एनुअल प्लांट है तो वन मंथ, टू मंथ, थ्री मंथ ऐसे। और यहाँ ग्रोथ की रेट की कितनी, कितने सेंटीमीटर में लंबाई में पौधा बढ़ रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि पहले जो ग्रोथ की फेज होती है पौधों की वो बहुत धीमी गति से बढ़ता है। इस फेज को हम कहते हैं लैग फेज। इसके बाद की जो फेज आती है जब मेरिस्टमेटिक
सेल्स में मल्टीप्लिकेशन की रेट बढ़ जाती है और बहुत तेजी से पौधा कम समय में ज्यादा डेवलप हो जाता है, ज्यादा ग्रोथ ले लेता है। इस फेज को हम कहते हैं लॉग फेज। और अपनी मैक्सिमम हाइट को प्राप्त करने के बाद फिर पौधा नहीं बढ़ता है। जैसे नीम का पेड़ है, उसकी अपनी एक हाइट है, पीपल का पेड़ है, उसकी अपनी एक हाइट है, गुलाब का पौधा है, उसकी अपनी एक हाइट है, किसी भी पौधे को हम देखें, आम का पौधा है, उसकी अपनी एक हाइट है। तो अपनी हाइट, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद फिर ड्यूरेशन बढ़ता है, टाइम बढ़ता है। 15 साल पुराना, 20 साल पुराना, 50 साल पुराना, 100 साल पुराना, टाइम बढ़ेगा लेकिन उसकी हाइट फिर नहीं बढ़ती है। एंड दैट फेज इज कॉल्ड स्टडी फेज। या देखिए, ये टाइम बढ़ता जाएगा लेकिन ये कर्व ऊपर की ओर नहीं जा रहा, यानी सेंटीमीटर या मीटर या जिस भी स्केल में हम देखना चाहें इसकी ग्रोथ नहीं होती है। तो इस प्रकार जब हम कर्व बनाते हैं तो ये कर्व एस फॉर्म में होता है, इसे हम सिग्मॉइड कर्व भी कहते हैं। लैग फेज वह फेज है जब ग्रोथ की रेट सबसे स्लो होती है। लॉग फेज वह फेज है जब ग्रोथ की रेट सबसे मैक्सिमम होती है, इसे एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। और स्टडी फेज वह फेज है जिसे स्टेशनरी फेज कहते हैं, या इस फेज को हम कह सकते हैं कि इस फेज में पौधे की ग्रोथ नहीं होती है क्योंकि पौधा मैक्सिमम साइज को प्राप्त कर चुका होता है। जैसे हम किसी भी एनिमल में भी इसको देख सकते हैं, जैसे 18 साल के बाद, 20 साल के बाद या 25 साल के बाद अगर किसी भी व्यक्ति को खूब अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट खिलाए जाएं, बहुत ज़्यादा उसके न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जाए, तो क्या उसकी हाइट बढ़ती जाएगी? जो भी हाइट बढ़ना है वो एक मैक्सिमम स्टेज तक बढ़ती है, उसके बाद उसकी उम्र बढ़ती है लेकिन उसके बॉडी की ग्रोथ वर्टिकल नहीं होती है। तो इस कर्व को हम कहते हैं सिग्मॉइड कर्व। ये एक एक नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इससे संबंधित यदि आपको कुछ ना समझ में आए तो आप चैट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। थैंक यू।